हर विधानसभा से पांच बस, हर विधानसभा से पांच बस, पांच बस में तो ये हाल है, 50 बस लाते तो लखनऊ भर जाता। मानवर कांशीराम साहब एक मसीहा थे, एक कोहिनूर जिनको हमने खो दिया। हम लोग बड़े छोटे थे तो हाई स्कूल कर रहे थे उस वक्त, उसी समय ये दुनिया से चले गए और उनकी कमियां खल रही हम लोग को, लेकिन उसकी उनके कारवा को हम लोग बिल्कुल रुकने नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि मानिया बहन जी पांचवी बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। हमारे साथ में एक बहुत ही कट्टर समर्थक बसपा के दिख रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं। आपका नाम क्या है? अतीकुर रहमान। अतीकुर रहमान, क्या करते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता है जी। आपके जिले में क्या माहौल है? बहुजन समाज पार्टी वहाँ 10 सीटों में लगभग 80-90% सीटें वहाँ जीतेंगे। 80-90% सीट जीतेगी? क्या अन्य पार्टी नहीं है क्या वहाँ? पार्टी से हमसे क्या मतलब है, हम बहुजन के आदमी हैं तो हम बहुजन की बात करेंगे। नहीं, अब की बार जो है दलित समाज पूरा जो है भाजपा की ओर भाग रहा है, दलित समाज जो है भाजपा की ओर भाग रहा है, और मुस्लिम समाज जो है MIM की तरफ भाग रहा है, क्या कहें? ये सब अफवाह है, अफवाह में ना जाइए। धरती पर खड़े होकर देखिए, ये उभरता हुआ जन सैलाब कहाँ कौन किसके साथ है? ये उभरता हुआ जन सैलाब है, जरा उभरता हुआ जन सैलाब दिखा दीजिए आप। ये बहुजन समाज पार्टी के सितारे हैं, ये मानिया बहन जी का वो था, मैसेज था, हर विधानसभा से पांच बस, हर विधानसभा से पांच बस, पांच बस में तो ये हाल है, 50 बस लाते तो लखनऊ भर जाता, लखनऊ भर जाता। अभी तो यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। वैसे भी यहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, जितने लोग यहाँ इसके चार गुना लोग अभी बाहर हैं। बाहर भी है जी? क्या लगता है स्थल पर नहीं आ पाएंगे? स्थल पर आ ही नहीं पाएंगे, जगह नहीं है, कहाँ आ पाएंगे भाई साहब? जगह जगह जाम लगा है, प्रशासन के लिए लोग रोक रहे हैं, तमाम किस्म की दिक्कतें हो रही हैं। ये आप लोग तो मीडिया भाई, बसपा में जो है कब से कार्य करते हैं आप? मैं बहुजन समाज पार्टी में हाई स्कूल करने के बाद मैं बहुजन समाज पार्टी में हूँ, और जब तक जिंदा रहूंगा बहुजन समाज पार्टी में रहूंगा। क्या सोचकर बहुजन समाज पार्टी में अपने आप को समर्पित कर दिया? बहुजन समाज पार्टी एक मिशन, एक मूवमेंट है, इसकी चलाने वाली नेता अपने जीवन को, इनके स्थापना करने वाले नेता मानवर कांशीराम साहब अपना पूरा जीवन दे दिए, बाबा साहब BR अम्बेडकर अपने चार चार औलादों को बेडाउट कफन दफन करवा दिए। मैं उसी देश का निवासी हूँ, मैं उनकी विचारधाराओं को पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, मैं बहुजन समाज पार्टी में। आप बात कर रहे हैं मानवर कांशीराम साहब की, आज मानवर कांशीराम साहब की पुण्यतिथि है, जिन्होंने बसपा के लिए पूरा जीवन दे दिया, बसपा का निर्माण किया, क्या विचार है आपका उसमें? मानवर कांशीराम साहब एक मसीहा थे, एक कोहिनूर जिनको हमने खो दिया। हम लोग बड़े छोटे थे तो हाई स्कूल कर रहे थे उस वक्त, उसी समय ये दुनिया से चले गए और उनकी कमियां खल रही हम लोग को, लेकिन उसकी उनके कारवा को हम लोग बिल्कुल रुकने नहीं देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग अल्लाह से दुआ करेंगे कि मानिया बहन जी पांचवी बार इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। उधर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहा करते हैं कि अगर मानवर कांशीराम साहब के पास अगर दूसरा कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है तो वो पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयप्रकाश हैं, लेकिन वो बसपा पार्टी से बाहर हैं, कहां तक उनका मिशन सही लगता है? ये मानिया बहन जी का फैसला है, इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, हम इतनी बड़ी टिप्पणी नहीं करते। जयप्रकाश सिंह हमारे भाई हैं, हम उनके बारे में, मानिया बहन जी का प्रोग्राम है, उसके बारे में मानिया बहन जी जानेंगे, वो हम नहीं कुछ कर सकते। कहां तक लगता है या सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? ये जयप्रकाश साहब एक अच्छे इंसान है, वो बसपा के लिए काम कर रहे हैं, वो फैसला मानिया बहन जी का, मानिया बहन जी जाने, उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। जिस तरह से यहाँ पे मुस्लिम समाज सर्व समाज तय कर चुका है कि 2022 में जो है बसपा सुप्रीमो मायावती को मुख्यमंत्री बनाकर ही छोड़ेगा। देखिए, मेरा नाम मोहम्मद रफीउद्दीन है, मैं हाटा विधानसभा से हूँ, और ये जो 2022 का चुनाव है, इससे पहले उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को जो है कि मौका दिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, जो बहन जी ने अपने चार बार के सरकार में जो कार्यकाल रहा है, यह कार्यकाल बहुत शानदार रहा है, और जो जमीन पे चल के इन्होंने विकास किया है उसका जो है कि ये लोग अभी थोड़ा भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से आप बता रहे हैं, अगर हम देखें तो यहाँ पे जिस तरह से भीड़ है, इस भीड़ को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये 2022 का
भीड़ की जो ये देख रहे हैं भीड़, ये पूरा उत्तर प्रदेश का जन सैलाब है और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग अब बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहे हैं और 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। आप लगातार सभी लोग कह रहे हैं बहन मायावती को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन विरोधी पार्टियां भी जो है यही रेट लगा के बैठे हैं कि 350 पार करेंगे, कहाँ तक सही लगता है? देखिए, विरोधी कभी यह नहीं कहता है कि मैं हार गया हूँ, इसलिए कि उत्तर प्रदेश की जनता अब जान चुकी है कि बहुजन समाज पार्टी का जो लॉ एंड ऑर्डर का व्यवस्था था, वैसा व्यवस्था आज तक किसी ने उत्तर प्रदेश में कायम नहीं किया है। और जमीन से चल करके जो बहन जी ने काम किया है, वह काम अब जो है कि इन लोगों की बस की बात नहीं, अब 2022 में जो है कि बहन जी को कोई नहीं रोक पाएगा। यहाँ पे जो है कुशीनगर के कुछ बसपा समर्थकों से बात हुई और अब बहन मायावती जी संबोधन करने के लिए आ रहे हैं। आप उधर दिखाइए जरा, आप देख लीजिए, मानवर श्री कांसी राम जी स्मारक स्थल पर इतना बड़ा सम्मेलन रैली हो रहा है कि यहाँ जगह नहीं है पैर रखने का। आप इधर जरा दिखाइए, जिस तरह से ये भीड़ दिख रही है, ये सभी लोग जो है बहन मायावती जी को सुनने के लिए लगातार दीवार पर खड़े हैं। इसी के साथ चैनल को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब।